जी, तो अब उसी क्वेश्चन नंबर टू को हम सॉरी क्रैमर रूल से करने लगे हैं। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले मैट्रिसेस लिखे जाते हैं, तो ए वाला मैट्रिक्स से ऐसे लिखेंगे, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है वो फर्स्ट कॉलम पे, ये -4 और ये 1 आ जाएगा, और वाई के कोफिशियंट सेकेंड कॉलम पे। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स ए एक्स लिखना होता है, तो ए एक्स लिखने के लिए क्या करना होता है, एक्स वाले कोफिशियंट को आपने छुपा लेना है और ये वाले एक्स वाली जगह पे फिल हो जाएंगे, 0, 75 और ये 1 एंड 1 आ जाएगा। और उसके बाद आपने लास्ट पे एक मैट्रिक्स लिखना होता है ए वाई, तो ए वाई के लिए क्या करना है, वाई वाले कोफिशियंट छुपा लेने हैं और ये -4, 1 और जो छुपाए हैं उनकी जगह पे ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे होते हैं ये आपने राइट करने होते हैं, तो 0, 75 आपके पास है। ये मतलब तीन मैट्रिसेस बन गए। अब सबका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबका हम जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सॉरी -4, 1, 1 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में माइनस का साइन और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये तो आंसर आ जाएगा -5। ए का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया -5। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, 75, 1, 1, 75, 1 एंड 1। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, और 75 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 75, 0 माइनस 75 इज इक्वल टू -75। आपने ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -4, 1, 0 एंड 75, -4, 1, 0 एंड 75। तो इस बाय डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू -300, और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -300 -0 इज इक्वल टू -300। तो ए वाई का भी डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आंसर आ गया -300। तो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और जो वाई आपके पास होता है वो होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का आंसर कितना था, -75, तो आपने इधर क्या लिख लेना, -75 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट कितना था, -5, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट -5 था, तो आपने इसके नीचे क्या लिख लेना है, -5। और इस तरह से y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, -300 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5, कटिंग करें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15,000 आंसर आ जाएगा, और ये माइनस इससे कैंसिल होकर 5,000, 5, 5, 6,000 और 5,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये विड्थ है सेंटीमीटर में, तो y इज इक्वल टू 60 और ये भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो इस तरह से आपने इसको बाय क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर लेना, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अल्लाह हाफिज़।